नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा मौत के 60 साल बाद आज सियासत के केंद्र में हैं तो क्यों? कभी सिर्फ दलितों के नेता माने जाने वाले बाबा साहेब को अपना नेता बताने में आज न सरकार पीछे है न विपक्ष। राजनीतिक दलों के लिए तो ये मुद्दा शायद वोट बैंक से ही जुड़ा है, लेकिन अपने जीवन काल में बाबा साहेब ने जो किया वो दलितों के लिए भगवान से कम नहीं था। तो सियासत से पहले आपको दिखाते हैं कैसे बाबा साहेब अंबेडकर से बन गए दलितों के मसीहा। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। 2 साल 11 महीने 17 दिन बाद संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपना आखिरी भाषण दे रहे थे, उनकी आंखों में भारत की एकता और स्वतंत्रता के भविष्य को लेकर गंभीर चिंतन मंथन का दौर चल रहा था। संविधान सभा में बोलते हुए तब डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लफ्जों में भारत के राजनीतिक दलों को देश की एकता अखंडता के लिए आगाह किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या उसे फिर खो देगा? मेरे मन में आने वाला ये पहला विचार है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा कि उस दिन से भारत में जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। क्या भारत अपने प्रजातांत्रिक संविधान को बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला ये दूसरा विचार है, और यह भी पहले विचार जितना ही चिंताजनक है। दुनिया के तमाम देशों और भारत के प्राचीन राजनीतिक जीवन के अध्ययन के बाद जो सवाल डॉक्टर अंबेडकर के दिलो दिमाग में उठे, उसे उन्होंने संविधान सभा के जरिए पूरे देश के जहन का सवाल बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी चिंता को जायज बताते हुए कुछ और सवाल उठाए और साफ नसीहतें दी कि ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण भारत बार बार आजादी खोता रहा है। सिंध पर राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त सैन्य अधिकारियों ने रिश्वत लेकर देश के साथ विश्वासघात किया। पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को जयचंद ने ही आमंत्रित किया। आजादी के लिए जब शिवाजी लड़ रहे थे तो अनेक राज मुगल दरबार के साथ खड़े थे। 1857 में जब देश ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा था तो कई राजा ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े थे। क्या भविष्य में भी यह इतिहास दोहराएगा? मुझे यही सवाल चिंता से भर देता है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों की आजादी के संघर्ष के इतिहास और भारत की नाकामी की वजहों पर सीधी चेतावनी दी और साफ कहा कि यह तय है कि यदि राजनीतिक दल अपने मताग्रहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वह हमेशा के लिए खो जाए। इसीलिए हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने महान देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। डॉक्टर अंबेडकर ताजिंदगी जाति और मजहब की बेड़ियों को खत्म करने के लिए संवैधानिक उपायों के आश्रय संघर्ष करते रहे। जाति धर्म की बातों को देश से ऊपर रखने का कड़ा विरोध किया। वो ताजिंदगी सामाजिक भेदभाव गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन उनका रास्ता हमेशा अहिंसक बना रहा। अपने विरोधियों में सुधार के लिए उन्होंने खुद की जिंदगी की मशाल जलाई, भगवान बुद्ध के उपदेशों का आसरा लिया, पूरी जिंदगी शोषण और छुआछूत के विरुद्ध अहिंसक लड़ाई लड़ते हुए गुजार दी। यही वजह है
कि जब उन्होंने संविधान को आकार दिया तो लोकतंत्र के जरिए नागरिकों की आजादी तय की। छुआछूत खत्म कर हर नागरिक को सामाजिक समानता के एक पायदान पर ला खड़ा किया, जो विकास के मुख्य धारा में सामाजिक भेदभाव की वजह से पिछड़ गए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सुनिश्चित कर दबे कुचलों को ताकतवर बनाने का संविधान मंत्र दिया। तो आप किसी व्यक्ति की कामयाबी या नाकामयाबी इस बात से तौलिए कि उस वो समाज उनको कहां पर रखता है। भारतीय दलित या भारतीय वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग अगर आज अंबेडकर को अपने सिर पर बैठाते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इन सारे लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। और ये बड़ा काम सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं था। आजादी के आंदोलन में जहां एक ओर महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के मोर्चे पर खड़ी थी, वहीं डॉक्टर अंबेडकर के सामने दूसरे अहम और गंभीर सवाल खड़े थे कि आखिर आजादी मिल जाएगी तो करोड़ों दबे कुचले दलित लोगों को क्या उनका हक मिलेगा। वो सैकड़ों साल से मुख्य धारा से अलग थलग पड़े करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी की लड़ाई लड़ रहे थे। यही कारण है कि उनके लिए आजादी का मतलब यही था कि जो आजादी समाज के आखिरी पायदान पर बैठे नागरिक को ताकत दे, वही असल में आजादी है। और वो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के पहले इसकी गारंटी देश से पाने के लिए बेकरार हो उठे थे। 1930 में देश के दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के सवाल पर महात्मा गांधी के डॉक्टर अंबेडकर से मतभेद भी गहरा गए। गांधी जी ने पृथक निर्वाचक मंडल के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन शुरू किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी मांग छोड़ने का फैसला लिया। इस पूना पैक्ट का नतीजा ये निकला कि देश में अस्पृश्यता और छुआछूत के खिलाफ नई जंग शुरू हुई, जिसने देश में वंचितों के अधिकार के लिए नई जमीन तैयार की। डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और कानून को समझने की उनकी काबिलियत को गांधी जी की पारखी नजरों ने समझ लिया। देश की आजादी के बाद देश में संविधान निर्माण का मौका आया तो बापू की सलाह पर ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री नियुक्त किया और फिर संविधान को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सुपुर्द की। भारतीय संविधान में समता, स्वातंत्र और बंधुत्व, ये जो तत्व त्रयी है, ये जो तीन तत्व है, उसको पूरी तरह से जिस तरह से शामिल किया गया है और जिस प्रकार से उसको पूरे संविधान पर ये छा गया है, ये और कोई नहीं कर सकता था। संविधान बनने के बाद हिंदू कोड बिल के सवाल पर कांग्रेस सरकार से डॉक्टर अंबेडकर के मतभेद फिर से सत्ता पर आ गए। हिंदू कोड बिल के नाम से बनने वाले कानून के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, बौद्ध, सिख समेत भारत में जन्मे सभी धर्मों के लोगों को शामिल करने की पहल की। हालांकि उत्तराधिकार, विवाह और संपत्ति में हिस्सेदारी से जुड़े सवालों पर अपने सुझावों को नकारे जाने से आहत होकर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनकी अहम भूमिका को देखते हुए कांग्रेस की पहल पर उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनना मंजूर किया और आखिरी सांस तक वो संसद के उच्च सदन के सदस्य बने रहे। यही वो दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य भी तेजी से गिर रहा था। जिंदगी के संघर्षों ने उनके शरीर को भीतरी तौर पर खोखला कर दिया था। उन्हें डायबिटीज की बीमारी हो गई थी तो दूसरी ओर उनके दिलो दिमाग को करोड़ों दलितों के भविष्य की चिंता खाए जाती थी कि उनके बाद इस समाज की दिशा और दशा आखिर किधर जाएगी। उनके सामने सवाल था कि देश को आजादी मिलने के बावजूद उच्च जाति के हिंदुओं का बर्ताव दलितों के साथ सुधरने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोगों के सामने धर्मांतरण की विदेशी साजिशों का शिकार बनने का खतरा भी खड़ा था।
इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के सामने बौद्ध धर्म का रास्ता सुझाया, जिसका जन्म भारत में हुआ था और जिसके सुधारवादी दर्शन की जड़ें देश की प्राचीन परंपराओं से सहज जुड़ी थी। ১৯৫৩ में डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए श्रीलंका, बर्मा समेत अनेक देशों के दौरे पर गए। रंगून में आयोजित तीसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद समर्थकों के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने ऐलान किया कि जीवन के आखिर में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में ही उन्हें मुक्ति का रास्ता दिख रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने 5,00,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर देश के सामने छुआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई को नया मोड़ दे दिया, जिसमें उनकी चिंता एक ही थी कि देश के करोड़ों दलितों को मुक्ति के रास्ते के लिए भारत से बाहर देखने की जरूरत नहीं है। भारत की मिट्टी और भारत की सनातन जड़ों में ही करोड़ों दलितों की मुक्ति का रास्ता खुद ही छुपा है। दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला ये मसीहा खुद भी 6 दिसंबर 1956 को अनंत यात्रा पर चला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 65 साल की उम्र में जीवन यात्रा पूरी कर ली, लेकिन जाने से पहले हजारों सालों से चली आ रही जड़ता को जड़ से हिला गए, जिसके कारण पग पग पर बचपन से उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी। है कि एक बार बैलगाड़ी से जा रहे थे किसी डेस्टिनेशन के ऊपर और बैलगाड़ी वाले को पता लग गया कि ये दलित, उसने उतार दिया। तो स्कूल में भी जैसे कि उनको पीछे बैठना पड़ता था, नल की टोटी कोई और खोलता था तब पानी पी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब महू में फौज के सूबेदार मेजर रामजी सकपाल के घर पैदा होने से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई तक उनका जीवन संघर्ष की अविश्वसनीय गाथा बन गया। लेकिन जैसे बचपन से उन्हें ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने प्यार दुलार देकर अपना नाम तक देकर अंबेडकर नाम इतिहास में अमर कर दिया, तो बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने विदेश में पढ़ाई के लिए वजीफा देकर उनकी राहों के कांटे बुहारने का भी काम किया। जाहिर तौर पर एक तरफ सामाजिक उलहवनाओं के कठिन दौर से अंबेडकर गुजरते रहे, तो दूसरी ओर भारत के सामाजिक जीवन से ही उन्हें देश में बदलाव की ताकत और ऊर्जा मिली, जिसमें पग पग पर ऊंची जातियों के लोगों ने ही उन्हें संघर्ष और बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए भरसक मदद की। देश अपने इस अनमोल रतन को युगों याद रखेगा, क्योंकि अंबेडकर ऐसे रतन थे जिन्होंने युगों की परिपाटी को बदलने का साहसी कारनामा अपनी जिंदगी की साधना से सफल कर दिखाया था। आज तक ब्यूरो। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को लेकर 125वीं जयंती वर्ष में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आज नागपुर में दीक्षा भूमि में बड़ा आयोजन कर रही है, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर उनकी जन्मस्थली महू में आयोजित कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पूरे देश की विरासत है, लेकिन सियासत में इस विरासत को अपने अपने पाले में खड़ा करने की जंग छिड़ी है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी से जुड़े करोड़ों दलितों के वोटों का सवाल तमाम राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक ताकत बनाने और बढ़ाने का सबसे अहम मुद्दा बन गया है। यूपीए सरकार के वक्त संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती को जोर शोर से मनाने की रूपरेखा तैयार हुई थी। कांग्रेस उसी के तहत नागपुर की दीक्षा भूमि पर साल भर चले कार्यक्रमों का समापन करते हुए
आज बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत आला कांग्रेस नेता इस मौके पर दीक्षा भूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे तो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर अपनी दावेदारी भी मजबूत करेंगे। अंबेडकर की विरासत को लेकर छिड़ी जंग में कांग्रेस की नागपुर रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि अंबेडकर पर बीजेपी और उसके मातृ संगठन आरएसएस की नजरें अरसे से गड़ी हैं। देश से जुड़े अनेक मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर की राष्ट्रवादी विचारधारा को बीजेपी आरएसएस ने उनकी जीवनी के पन्नों से निकालकर अपने कार्यकर्ताओं की तर्कों की तलवार बनाने का फैसला कर लिया है और इस काम में खुद प्रधानमंत्री अगुवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि महू में आयोजित दलित महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं तो पूरे केंद्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी गतिविधियों के प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी है। इसके तहत 197 करोड़ रुपए की लागत से 15 जनपद पर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना शामिल है तो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 16 बड़े कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रचार प्रसार पर भी केंद्र का ध्यान है। हालांकि 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री महू में अंबेडकर जन्म स्थान पर रैली कर रहे होंगे, कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में दलित सहभोज के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि अंबेडकर के जन्मदिन के जरिए कांग्रेस के काडर को नई ऊर्जा दी जा सके। जाहिर तौर पर राजनीतिक विरासत के इस झगड़े में बीएसपी यानी मायावती का शामिल होना भी लाजमी है, जिनकी पूरी सियासत ही अंबेडकर के नाम पर शुरू और खत्म होती है। खासतौर पर यूपी के नोएडा से लेकर लखनऊ तक अंबेडकर से जुड़े स्मारकों के जरिए मायावती ने अंबेडकर पर जिस सियासत को जन्म दिया है, अब वही पार्कों और स्मारकों की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरह डॉक्टर अंबेडकर को पार्टीगत विचारधारा से जोड़ा जाए, वो विचारधारा जिस पर खुद डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि मुझे ऐसी कोई विचारधारा मंजूर नहीं जो मेरे देश से ऊपर खुद को रखती हो। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान से खबर आ रही है भूकंप से 2 लोगों की मौत की खबर। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद जहां झटके महसूस किए गए। हम यही बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे।